दोस्त है, मेरा तो नहीं है। अपने तरीके से समझाएं इसको हम क्या? एक दिन में दोस्ती खत्म, कल तो बैठ के साथ में दारू पी रहे थे, ये कैसे कैसी बातें कर रहा है? जेलस यार थी, जेलस। एक्साइटमेंट में तुम्हारी शादी देखने आया था, इतनी दूर से शहर से। तुम्हें क्या लगता है मुझे मजा आ रहा है यहाँ पे? ये मच्छरों के बीच तो के, ये खाट पे, ये देखो अलग अलग कंट्री के बॉर्डर बने हुए यहाँ पे। क्या संजना और कुंदन की शादी छोड़कर चला जाएगा सिद्धार्थ? कुंदन को आखिर क्यों हुआ सिद्ध पर शक? उसको डाउट तो नहीं हो रहा, लेकिन उसको लग रहा है कि क्यों इतनी पिलाई है मुझे, मतलब कुछ तो गड़बड़ है जो उसको उस चीज में लग रहा है, कुछ तो गड़बड़ है जो उसने दारू जो इतनी कि उसको कभी चढ़ती नहीं है और उसको इतनी चढ़ गई, तो क्या रीजन क्या है उस चीज का? तो काफी भड़का हुआ है, लेकिन यस कुंदन बहुत अच्छा अपना दोस्त मानता है सिद्धार्थ को और जेन्युइनली उसको लगता है कि नहीं ये बहुत अच्छा लड़का है और ये मेरा दोस्त है। दरअसल पार्टी में कुंदन संजू के बारे में कुछ उल्टा सीधा बोलता रहता है, जिससे सिद्ध को गुस्सा आ जाता है और वो उसके ड्रिंक में कुछ मिला देता है, जिसकी वजह से कुंदन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है और सबके सामने उसकी हंसी उड़ाई जाती है, और इसके बाद ही कुंदन को होता है सिद्धार्थ पे शक। तुम्हारा तो दोस्त है, मेरा तो नहीं है। अपने तरीके से समझाएं इसको हम क्या? एक दिन में दोस्ती खत्म, कल तो बैठ के साथ में दारू पी रहे थे, ये कैसे कैसी बातें कर रहा है? जब सिड ने ये हरकत की थी तबेले पर, तो संजू देखते से समझ गई थी कि ये सिड है और ये इसी का काम हो सकता है। एंड ऑब्वियसली संजू इज ट्राइंग टू एक्सप्लेन इट टू सिड दैट यू शुड गो बैक एंड आई हैव मेड अ डिसीजन एंड मुझे मेरे पेरेंट्स के लिए मैं ये करूँगी और मैं कुंदन जी से ही शादी करूँगी। बट सिड तो सिड है, वो अपने स्टाइल से कुंदन जी को हैंडल करते हैं एंड अभी भी कुंदन जी को डाउट हुआ है कि क्या हुआ था लास्ट नाइट। आई विल गो एंड आस्क कॉन्फ्रंट सिड बेसिकली, बट सिड ने फिर अपना पलटी मार दी है और बात ही घुमा दी है एंड इमोशनल जो उसने ब्लैकमेल किया है कुंदन को, कुंदन फिर बह गया है, फिर बेवकूफ बन गया है। और संजना ये देखकर भी समझ गई कि फिर सिड अपना यू नो ही स्टार्टेड अगेन। सो संजना को पता है कि ऐसी हरकतें सिड करता रहता है। Well, इसके बाद कुंदन सिड को छत पर लेकर जाता है और वहाँ दोनों में काफी कहा सुनी होती है। तुम्हारा तो दोस्त है, मेरा तो नहीं है। अपने तरीके से समझाएं इसको हम क्या? एक दिन में दोस्ती खत्म, कल तो बैठ के साथ में दारू पी रहे थे, ये कैसे कैसी बातें कर रहा है? जेलस यार थी, जेलस। और फाइनली देखिए किस तरह से सिड कुंदन को कंट्रोल कर ही लेता है। वो कुंदन ने मुझे ज्यादा इम्पोर्टेंस दे दी, तुम तो जल गए, हर्ट हो गए। इससे पूछो, कल जब तुम वो बुरी सी फटीचर की हालत में कीचड़ में लथपथ पड़े हुए थे, तब ये आया था तुम्हें उठाने वहां से अपनी पार्टी छोड़ के? एक आदमी नहीं आया, मैं था दावा, मैं फेक फ्रेंड। हाँ, तो मतलब बेसिकली अभी बहुत ज़्यादा एक्चुअली इंटरेस्टिंग ट्रैक आ रहा है कि शादी पे किस तरह से रस्में शुरू होंगी और किस तरह से सिद्धार्थ तो कुछ गेम्स खेलेगा, कुछ करेगा, तो वो एक बहुत ही डिफरेंट चीज़ शुरू हो रही है।